हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और आज भाई दूज है, सो इसीलिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से मेरे हार्दिक शुभकामना। एंड आई होप आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो, आई होप आप लोग बहुत खुश हो। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने एक जनरल रीडिंग लेके आया हूँ और ये रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ पे मैं कार्ड्स पुल करूंगा और उसके बाद देखूंगा कि कौन से एनर्जीज आ रहे हैं। तो अगर मैं जो एनर्जीज को पुल करूंगा और मैं बोलूंगा कि यस ये इस पे अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो आप तो सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब उस टॉपिक पे ही अगर आप लोग सच में मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वही आपके सोल टॉपिक है और वही आपके मैनिफेस्टेशन है। अगर क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अगर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो इससे मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है तो फिर शायद ये एनर्जी आपके लिए नहीं। तो चलिए देख लेता हूं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्या आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं। तो पहले मैं एक चीज बोल रहा हूं कि प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन की दबा दीजिए। और अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कोई पर्सनल मैसेज करते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, या फिर इंस्टाग्राम या फिर कहीं पे भी आप लोगों को मेल और मैसेज करने के लिए बोलता है, एडवांस पेमेंट के लिए बोलता है, प्लीज़ उस पर मैसेजेस का रिप्लाई मत कीजिए। मैंने कभी भी आप लोगों के सामने से एडवांस पेमेंट नहीं मांगूंगा, मैं पहले रीडिंग देता हूँ उसके बाद पेमेंट लेता हूँ, यही है। सेकेंडली कोई भी अननोन स्कैमर्स के ओ रिप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशन कैसा जा रहा है। पहले एनर्जीज को देखूंगा उसके बाद कार्ड्स। वाओ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप में से बहुत सारे लोग मनीटरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम में फंसे हो सकता है, बहुत ज़्यादा मनीटरी स्टक चल रहा है, हो सकता है पैसा नहीं आ रहा है, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मनीटरी प्रॉब्लम आप लोगों के लाइफ में है। ऐसा आप लोगों को शायद लग सकता है कि आप जितना भी कुछ कोशिश कर रहे हो पैसे के लिए या फिर मनी मेक करने के लिए, पैसा नहीं जमा पा रहे हो, सेव कर पा रहे हो और बहुत ज़्यादा आप लोगों का खर्चा बढ़ जा रहा है। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग पैसे को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेविंग्स को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हो, लोन्स को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डील्स को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है घर बेचने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, घर खरीदने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि एक काइंड ऑफ रिच पर्सन बनने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलता है, यानी कि लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या फिर आपके साथ पैसे को चुड़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसा मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी है। तो आप लोग अपने नेगेटिविटी को हटाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़। मैं ये भी देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा शत्रु आपके साथ है, तो अपने जो शत्रुता है, जो एनिमोसिटी है, इसको ख़त्म करने के लिए भी आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कुछ बुरे नज़र काइंड ऑफ बुरे नज़र से बचने के लिए मैनिफेस्ट या फिर आपके सोल प्रोटेक्शन के लिए मैनिफेस्ट आप लोग कुछ कर रहे हो। घर में कुछ हवन करा सकते हो, पूजा करवा सकते हो, या फिर कोई हीलर आपको बोला है पूजा करवाने के लिए, जो भी आप किए हो वो बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हो। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, अल्लाह का आशीर्वाद आपको मिल जा रहा है, अननोन हेल्प आपको आ जाएगा। शायद आपको अभी पता नहीं है कि आपकी लाइफ कैसे टर्न लेंगे, बट मैं ये देख सकता हूँ कि पैसे के लेके अगर आपको परेशानी है, सिक्योरिटी लेके अगर आपको परेशानी है, कमिटमेंट को लेके अगर परेशानी है, कमिटमेंट भी है क्योंकि मैं देख सकता हूँ काफी हद तक आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी है कि आप लोग डर जाते हो कि कैसा होगा आपका फ्यूचर, क्या रहेगा। तो इसमें भी मैं देख सकता हूँ कि आप लोग मैनिफेस्ट जो करोगे वो अच्छा ही होगा आप लोगों के लिए, खास करके करियर के लेके। उसके बाद जो आया है पेज ऑफ कप्स, देखो आप लोग बहुत सिंगल हो और बहुत दिन से सिंगल हो। मैं देख सकता हूँ लोग आपको पहचान नहीं पाते हैं या फिर जो भी रिलेशनशिप पे आप जाते हो वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है। मैं देख सकता हूँ बहुत बार चीटेड हुए हो, बहुत बार दिल तोड़े हैं लोग आपके, बट आप ना एक ऐसे सच्चे दिल के पर्सन को चाहते हो जो आपके जिस्म को नहीं, जो आपको देख के आपके लाइफ में आएंगे। तो मैं देख सकता हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग जो यंग हो या फिर कोई ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो पर्टिकुलरली क्यूट होंगे, जो पर्टिकुलरली आपके बात को समझेंगे, जो इमोशनल होंगे, जो क्रिएटिव होंगे, जो लॉयल रहेंगे, जो आपको काइंड ऑफ सपोर्ट करेंगे, जो आपके दुख को बांटेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि काइंड ऑफ बहुत ही रिच, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही कुछ यू नो, बहुत ही ब्यूटीफुल, क्विंटेसेंशियल ब्यूटीफुल, ऐसे नहीं है। आप चाह रहे हो कि बहुत ही जिंदा दिल किस्म के एक पर्सन हो, जो काइंड ऑफ जो कहीं से भी हो सकता है, जो बाहर से भी हो सकता है या फिर आपके शहर से भी हो सकता है, बट जो आपको समझ सके, जो आपको सपोर्ट कर सके, जो आपको हंसी काइंड ऑफ
जिंदगी, एक हंसी खुशी जिंदगी आपको दे सके, जो आपको काइंड ऑफ कमिटमेंट दे सके, जो आपके लिए सच्चा प्यार करेंगे, ऐसे ट्रू लव के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज़ भी मैं देख सकता हूँ कि मैनिफेस्टेड आप अच्छे से कर रहे हो मैनिफेस्ट को, बट मैनिफेस्टेशन को, बट मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दिल में बहुत ज़्यादा दर्द छुपा के आप लोग बैठे हो. ऐसा लग सकता है कि लोग आपको समझते नहीं है, ऐसा लग सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट नहीं करते, ऐसा लग सकता है आपको काइंड ऑफ सब लोग एकदम कॉर्नर कर देते, आपके दोस्त ज़्यादा नहीं है, आप लोगों से बात नहीं कर सकते हो, नज़र बहुत ज़्यादा लग जाता है, लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आप जिसको नो बोलते हो वो गलत समझ लेते हैं आपको, बहुत घमंडी समझ लेते हैं आपको, आपके क्रिएटिव क्रिएटिविटी को ये लोग नहीं पहचानते, तो आपको ऐसा लग जाता है कि मैं जाऊँ तो कहीं पे जाऊँ. अब जब बहुत ही हाई स्टेटस वालों के साथ मिलने के लिए जाते हो तो उन लोगों का कैरेक्टर बहुत ढीला आपको लगता है, और जब आप थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड लोगों के साथ आप मिलने के लिए जाते हो तो आपको लगता है कि नो, ये तो आपके साथ मैच ही नहीं कर रहा है, तो आप बोल रहे हो कि मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, आपके लेवल के पर्सन कैसे मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत क्रिएटिव हो और बहुत ही ओपन माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो. यस, आपके जैसे पर्सन मिलना तो बहुत काइंड ऑफ रेयर है, बट आपको मिल जाएंगे, खास करके एक ऐसे टाइप के सोलमेट आपको मिलेंगे, बट आपको ये चीज़ यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके जो सोलमेट होंगे ये आपकी यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट होंगे, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ऑलरेडी एक पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, यहाँ तक कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जो आप ही को मैनिफेस्ट करते हैं. ऐसे पर्सन हो सकता है जो बाहर से आए हो, या फिर जिसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहे हो, या फिर ऐसे पर्सन जिसके साथ आपका तगड़ा पास्ट रहा है बट आप उसको नो बोल दिए हो क्योंकि किसी और पर्सन की वजह से, और आज अभी वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं है, तो अभी आप सिंगल हो और वो पर्सन इस टाइम का फायदा वो उठाएंगे, वो दोबारा आपको एक चांस देना चाहेंगे, तो इसीलिए वो आ रहे, या फिर जिन लोगों का सेपरेशन हो रहा है उन लोगों का एक्स या फिर पास्ट पार्टनर भी आ सकता है. मैं ये भी देख सकता हूँ कि जो पर्सन को आप नहीं चाहते हो वो पर्सन आपके लिए नहीं आएंगे, खास करके एक न्यू एनर्जी भी हो सकता है, काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि पिछले जन्म का कनेक्शंस में यहाँ पे देख सकता हूँ, जो लोग सिंगल हो या फिर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप पे हो, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ रीअवेकनिंग हो जा रहे हैं, अगर आपके रिलेशनशिप पे सेपरेशन चल रहा है या फिर आपके पार्टनर आपको प्यार ज्यादा नहीं कर रहे, सरप्राइजेस नहीं दे रहे, कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो आपके पार्टनर के ऊपर अगर आपको ज्यादा डाउट हो रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये है आपकी मैनिफेस्टेशन जो सक्सेसफुल हो जा रहे हैं. उसके बाद देख लेता हूं क्या है. वाओ, टेन ऑफ शोर्ड्स एंड पेज ऑफ कॉइंस. देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं यहां पे देख सकता हूं लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लॉकेजेस आप लोगों के पास था, ऐसा लग सकता था कि आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ था, तो हो सकता है कोई ऑपरेशन हुआ था आप लोगों को, तो वो ऑपरेशन से आप काइंड ऑफ बाहर आ रहे हो, या फिर ऐसा लग सकता है कि घर का किसी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हो सकता है मम्मी का, हो सकता है डैड का, तो वहाँ से आप लोग उसको अब मैनिफेस्ट करके आए हो, तो आप अगर अपने भाई अपने दादा अपने काइंड ऑफ माता पिता के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज़ है. खास करके मैं देख सकता हूँ आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हो, जो लोग डॉक्टर हो, जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो, जो लोग काइंड ऑफ CS हो, CA हो, जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए भी ये कार्ड साफ है. खास करके मैं देख सकता हूँ कि डिवोर्स, यस, आप किसी पर्सन के लिए डिवोर्स के लिए भी मैनिफेस्ट किए हो कि उसका डिवोर्स हो जाए और वो आपके पास चले आए, या सिमिलरली मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप किसी काइंड ऑफ पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो आफ्टर डिवोर्स, तो हो सकता है कि आप सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, तो इसीलिए आप बोल रहे हो कि आपके सेकेंड मैरिज पास्ट मैरिज के जैसे ऐसे बदतर ना रहे, तो एक बहुत अच्छा सेकेंड चांस के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. इसके बाद मैं देखूंगा कि आप लोगों के अभी मैनिफेस्ट करने के टाइम पे क्या डर क्या आ रहा था, डर क्या आ रहा था. देखो, मैनिफेस्ट करने के टाइम पे आपका जो मेन डर है वो है इनसिक्योरिटी. मेनली ये इनसिक्योरिटी है, क्या आप एक अच्छे पर्सन बन पाओगे, क्या आप अपने फैमिली को काइंड ऑफ प्रोटेक्ट कर पाओगे, क्या आपको एक प्रॉपर रिलेशनशिप आपको कभी भी मिलेंगे, क्या आप दूसरे पर्सन को समझ पाएंगे, क्या दूसरे पर्सन आपको समझ पाएंगे. सो बहुत ज़्यादा डाउट, बहुत ज़्यादा जिद्दी मैं देख सकता हूँ. कुछ हद तक आप लोग बहुत स्टबर्न होते हो और आप लोगों को कुछ ओल्ड हैबिट्स
आप लोग लेके चलते हो, उस ओल्ड हैबिट्स को आप कभी भी खत्म नहीं करते हो, उस ओल्ड हैबिट्स को लेके ही आप चलना पसंद करते हो। तो कई कबार यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना होगा, थोड़ा सा लेट गो करना होगा, पास्ट पास्ट है, उसको लेके मत आओ। तो बार बार पास्ट के बारे में आप सोचते रहते हो और ऐसा आप लोगों को लगता है कि पास्ट बहुत गंदा था तो फ्यूचर भी गंदा हो सकता है, ऐसा बहुत ज्यादा डरे हुए होते हो आपको मैक्सिमम टाइम पे। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन फास्ट काम नहीं करते, खास करके जो लोग कमिटमेंट के लिए बैठे हो। तो आप में से तो मैं देख ही रहा हूँ कि बहुत ज्यादा रो रहे हो, ऐसा लग सकता है कि आपको एक ही पर्सन ही चाहिए, पूरे दुनिया में एक ही पर्सन ही है और कोई पर्सन बचे नहीं है, और उसी पर्सन को ही आप चाह रहे हो, उसके अलावा आप किसी को नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं चलता है मैनिफेस्टेशन, ऐसा नहीं चलता है। आपको कुछ हद तक यूनिवर्स को बोलना होगा, ठीक है, आई एम लिविंग माई स्पिरिट इन द हैंड्स ऑफ गॉड, मतलब मैं मेरे जो परमात्मा को छोड़ दे रहा हूँ मेरे भगवान के हाथ पे, अल्लाह के हाथ पे। जब तक ना आप ऐसे डिटरमाइंड रहेंगे तब तक ये ज़्यादा डर और फोबिया आपको पीछा करता चलेगा। और आप में से बहुत सारे लोगों का मैं देख सकता हूँ साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस है, लाइक रात में नींद ठीक से नहीं होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, किसी यूनिवर्स को कुछ टाइम पे तो ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर रिलेटेड वरीज आप लोगों को खाते रहते हैं अंदर ही अंदर। तो प्लीज़ ऐसे मत सोचो, क्योंकि आप लोग जो सोच रहे हो, देखो डेफिनेटली फ्यूचर के लिए सब हम लोग वरीड है, बट प्रेजेंट को भी तो जीना होगा, राइट। अभी मैं देखूंगा कौन से नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ये तो आप लोगों के नेगेटिव एनर्जी है, अभी देखूंगा कौन से नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप लोगों को मैनिफेस्टेशंस नहीं करने देते हैं या फिर मैनिफेस्टेशंस को स्लो कर देते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है पेज ऑफ वॉन्स, आप लोग चेंज पसंद नहीं करते हो। बीच बीच में यूनिवर्स जब थोड़ा सा चेंजेस लेके आते हैं आपके लाइफ में तो आप लोग घबरा जाते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हो और आप पीछे यानी कि पास्ट को पकड़ के रहते हो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। पहले मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, ग्रेसफुली चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, और कहीं से भी अगर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उस इन्फॉर्मेशन को आप काइंड ऑफ बोल दे रहे हो कि नहीं ये तो नेगेटिव है। नो, असल में आप इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हो, आपके इंट्यूशन बोलना कुछ चाहते हैं कि यस वो आपके लिए अच्छा कुछ करना चाहते हैं, बट नहीं, आपको वही चीज़ चाहिए, वही सेम टॉपिक के चीज़ चाहिए, वही सेम प्रोसेस में चाहिए। क्यों ऐसा है? आपको बिलीव करना होगा कि जैसे भी हो मेरे को मिलना है, दैट्स इट, मेरे को अगर ये मिल जाएगा तो डेफिनेटली। तो अगर यूनिवर्स आपको कुछ दूसरे तरफ लेके जाना चाहते हैं तो प्लीज़ यूनिवर्स के प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना ही होगा आपको, क्योंकि यूनिवर्स के प्रोसेस ही एक ऐसे प्रोसेस है जो आपको बचा सकता है हर प्रॉब्लम से, हर मुसीबत से। तो अभी मैं देखूंगा कि क्या आपके इंटेंशन या फिर क्या आपके जो इंट्यूशन है, क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं। चलिए देख लेता हूँ, पहले मैं देख रहा हूँ कि आपके एनर्जी कैसा है। फर्स्ट एनर्जी देखो, फर्स्ट एनर्जी है ट्रिकरी। तो पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ कि आप लोग अभी जो ये वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो, आप लोगों को सच में पता नहीं है कि मैनिफेस्टेशंस होता क्या है। कई कबार मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब से कुछ देखे हो, कुछ सीखे हो या फिर खुद जानते हो कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, बट कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो। क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो? क्योंकि आप लोगों को सच में कुछ प्रॉपर प्रोसेस पता नहीं है, यानी कि आप लोगों को आप लोगों के जो आत्मा है उनके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि ठीक है हो जा रहा है, बट पता नहीं है कि होगा कि नहीं फ्यूचर में। तो ट्रिकरी, आपको यूनिवर्स ट्रस्ट के लिए मतलब कमिटमेंट के लिए टेस्ट कर रहे हैं और आप लोग उस टेस्ट में फेल हो जा रहे हो, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो प्रोसेस को। प्रोसेस को स्टार्ट मतलब ट्रस्ट करना ही होगा, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो अभी आपकी जो जॉब में अगर आप बुरा फेज से चल रहे हो या फिर लाइफ में बहुत बुरा फेज से चल रहे हो और आपको लग सकता है कि यही फेज आपके पूरी जिंदगी तक चलेगा, या फिर रिलेशनशिप की आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है और अगर आपको ये लगता है कि रिलेशनशिप ऐसे ही चलेगा, तो आप गलत हो, राइट। देखो गलत मैं ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग कोई भी चीज को परमानेंट तरीके से नेगेटिव नहीं ले सकते हो। हर चीज़ एक फेज के अंदर होता है, कई कबार आपको अच्छा फेज मिलेगा, कई कबार आपको बुरा फेज मिलेगा, सो एक्सेप्ट इट विथ ग्रेस। अभी देखूंगा आपके मोटिव क्या है। देखो आप लोगों के जो मोटिव है वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चाहते हो अपने लाइफ को खुश करने के लिए, किसी के लिए शादी, किसी के लिए चाइल्ड, किसी के लिए दूसरे पर्सन का खुशियाँ, किसी के लिए अपने फैमिली का खुशियाँ। तो आप लोग तो मोटिवेटेड हो, मोटिवेटेड तो हो, बट बार बार काइंड ऑफ आपसे भूल चुक हो जाते हैं जब ट्रस्ट करने का बात आता है, यूनिवर्स को ट्रस्ट करने का बात आता है। तो प्लीज़ जैसे आप अंदर से सोचते हो ऐसे ही होगा, यस ट्रस्ट मी ऐसे ही होगा।
अभी देख रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशन क्या सच में हो रहा है, इज योर इंटेंशन ऑथेंटिक, क्या मैनिफेस्टेशन ऑथेंटिकली हो रहा है. वाओ, एक्सेप्टेंस डेफिनेटली. जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना उसके लिए एक्सेप्टेंस हो जाएगा. अगर आप अपने काइंड ऑफ डिवोर्स को काइंड ऑफ पोस्टपोन करना चाहते हो या फिर डिवोर्स को बंद करना चाहते हो, एक्सेप्टेंस मिल जाएगा. अगर आप चाहते हो कि कोई भी स्कूल का एडमिशन या फिर कोई जॉब या पे एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, या फिर ऐसे चाह रहे हो कि आप किसी को प्यार करते हो और वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उस पर भी मैं देख सकता हूँ एक्सेप्टेंस मिल जाएगा. डेस्टिनी आपको एक्सेप्ट करेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ आपको एक्सेप्ट करेंगे, गाइड्स आपको एक्सेप्ट करेंगे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए. लेट मी सी कि आप लोगों के फ्यूचर क्या है. फ्यूचर क्या है, वाओ, यहाँ पे फ्यूचर के कार्ड आता है फसाड, एंड द सेकेंड कार्ड जो आता है वो है डेस्टिनी. यानी कि मैं देख सकता हूँ कि देखो बहुत काइंड ऑफ आप लोग बहुत ज़्यादा दूसरों की तरह जी लिए. दूसरे लोग यानी कि आपके फैमिली जैसे चाहते हैं, अपने आपके रिश्तेदार जैसे चाहते हैं, जैसे आपके काइंड ऑफ सोसाइटी जैसे चाह रहे हैं आपको, वैसे आप जी लिए. अभी आपका टाइम आ गया है कि आपके डेस्टिनी को आपको मिलना है. जिस पर्सन के साथ आप डेस्टिनी हो वो आ रहे, जिस पर्सन के लिए आप बने वो आ रहे, जिस सोल पर्पस के लिए बने वो आ रहे, जो चीज़ आपके लिए बना है वो भी आ रहे. तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि डेस्टिनी के ऊपर आपको फोकस करना होगा. डेस्टिनी आपको लेके जाएंगे. और मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को रीरूट करना पड़े. ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन को प्यार किए हो, जिस पर्सन के बारे में सोचे हो, शायद ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आया और आप मूव कर गए, अभी नया पर्सन आया है, उसी पर्सन को आपको डेस्टिनी ने भेजे. ऐसा हो सकता है कि आप जैसे सोचे थे वैसे नहीं हुआ लाइफ, बट अभी जैसे होगा वो सही होगा. ट्रस्ट इन द प्रोसेस, मैं यही बोल रहा हूँ कि इस प्रोसेस पे फोकस करो, लाइफ आपको बहुत अच्छा खुशखबरी दे देंगे. इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ. छोटा सा वीडियो है तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देख लीजिए, और प्लीज़ रीडिंग देखने के बाद मेरे को कमेंट करके बोलिए आप कौन सा चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट. ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो. मैं इसी टाइम पर रीडिंग को ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर. बाय, टेक केयर.